दुनिया भर में कई सारे परिवर्तनवादी आंदोलन चल रहे हैं, कई सफल है तो कईयों को समाज ने धिक्कारा है। इसी बीच महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में अंतरी खेडेकर गांव में मराठा समाज में जन्मे पुरुषोत्तम खेडेकर नामक व्यक्ति ने मराठा समाज में परिवर्तन आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को समझने से पहले हमें मराठा समाज के इतिहास और मानसिकता को समझना आवश्यक हो जाता है। मराठा समाज शुरू से ही खेती से जुड़ा समाज है, शास्त्रों और शस्त्रों से भी इस समाज का पुराना नाता है। बलि राजा, संत तुकाराम महाराज, राजमाता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, शाहू महाराज और ऐसी कई गौरवशाली हस्तियां इस समाज में हुई है। शुरू से ही शांति प्रिय होने के साथ साथ मराठा उनकी वीरता और साहस के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसा गौरवशाली इतिहास और सुवर्णमयी परंपरा होने के बावजूद मराठा समाज आज के दौर में काफी कुछ पिछड़ गया था। समाज के हालात गंभीर होते जा रहे थे। पेशे से इंजीनियर पुरुषोत्तम खेडेकर साहब ने सबसे पहले 1990 में आधिकारिक तौर पर मराठा सेवा संघ की स्थापना की। काम तो जमीनी तौर पर पहले से ही चल रहा था। मराठा सेवा संघ की स्थापना के साथ साथ ही उन पर कई सारे आरोप लगने शुरू हो गए। उन्हें ब्राह्मण जात का विरोधी और दुश्मन दर्शाया गया। मराठा सेवा संघ को एक जातिवादी आंदोलन दिखाने की असफल कोशिश की गई। वास्तव में यह सिर्फ मराठा समाज के सभी क्षेत्रों में विकास और प्रगति के लिए तथा मराठा समाज को गत वैभव प्राप्त कराने के लिए चलाया गया एक सुधारणावादी आंदोलन था। ये ब्राह्मण जात का विरोध नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद का विरोध करता था। मराठा सेवा संघ और पुरुषोत्तम खेडेकर साहब शिव बलि राजा तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आधुनिक युग के सभी महापुरुषों की प्रेरणा लेकर विचार परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। इसीलिए खेडेकर साहब अपने युवाओं के हाथ से पत्थर और हथियार छीन उन्हें किताबें और कलम थमाई है। इसीलिए जो युवक जातिवादी और धर्म को आपस में लड़ाने वाले आंदोलनों में जाते थे वह अब लाइब्रेरी में जाने लगे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं। खेडेकर साहब ने मराठा सेवा संघ की स्थापना एक अनुशासन प्रिय संगठन के तौर पर की है। ये बाकी संगठनों की तरह नहीं है। मराठा समाज के महाराष्ट्र में कई सारे संगठन तो चलते हैं, मगर कोई भी संगठन इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया। इसका कारण विचारधारा का ना होना है। विचारधारा केवल मराठा सेवा संघ के पास है। यही कारण है कि आंदोलन तथा संगठन आज जोर पकड़ पाया है। मराठा सेवा संघ के अंतर्गत कुल 33 से ज्यादा संगठनों की स्थापना की गई है जो सभी क्षेत्रों में मराठा समाज को उन्नत करने का काम निरंतर कर रहे हैं और ये समाज के सभी घटकों को प्रगत करने का काम भी करते हैं। खेडेकर साहब ने सिर्फ मराठा समाज के लिए यह आंदोलन खड़ा नहीं किया बल्कि सभी बहुजन भारतीय समाज के लिए और जातिवाद मिटाने के लिए खड़ा किया है। यही वजह है कि विश्व आम्बेडकर राइट साहित्य सम्मेलन ने भी खेडेकर साहब को पुरस्कृत किया है। खेडेकर साहब हमेशा युवाओं को हर तरह के जूते पॉलिश से लेकर तेल मालिश तक के उद्योग व्यवसाय करने की बात करते हैं। उनसे प्रेरित होकर कई सारे युवाओं ने अपने अपने व्यवसाय खड़े किए हैं और आज भी वह युवा खुद का और समाज का विकास कर रहे हैं। पुरुषोत्तम खेडेकर साहब ने हमेशा मराठा समाज में और बहुजन समाज में पल रहे गलत विचारधाराओं और अंधश्रद्धा को दूर किया है। उन्होंने जिजाऊ, संत तुकाराम महाराज और शिवाजी महाराज के कार्य और विचारों को समाज में फैलाया है। जो समाज दंगल में जाकर खुद के घर उजाड़ कर ब्राह्मणवादियों के घर बसा रहा था उस पर रोक लगाई है। उन्होंने मराठा बहुजन समाज के प्राचीन धर्म शिव धर्म के बारे में अनुसंधान करके फिर से 2005 साल में प्रकट किया है। शिवा धर्म का अनुसरण आज लाखों लोग कर रहे हैं। इससे समाज को उसकी सदियों पुरानी अनमोल अमानत वापस मिल गई है जो मराठा समाज पानीपत के युद्ध में हरियाणा में बिछक गया था और महाराष्ट्र का मराठा समाज जिसे भुला चुका था उसे वापस मिलाने के लिए मराठा मिलन समारोह पानीपत और इलाके में आयोजित किए तथा समाज गुलामी से मुक्त हो रहा है। हर तरह से समाज फल फूल रहा है। उन्होंने और कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जो इतने कम शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते। उन्हें स्तुति सुनना भी बिल्कुल रास नहीं आता। मराठा बहुजन समाज में जागृति लाने वाले और उनका भविष्य संवारने वाले इस महान
इंसान को जिसे खुद समाज ने युग पुरुष का दर्जा दिया है, जन्मदिन पर ढेरों शिव सदिच्छा। आप यूं ही समाज हित के लिए सदा अग्रसर रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। युगनायक पुरुषोत्तम खेदेकर साहब का 4 जनवरी यह जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में ग्रंथ भेंट दिन के रूप में मनाया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।